ओहो क्या बात। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ट्यूटोरियल्स। इफ यू न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द राइट बटन बिलो। गाइस, आज की जो वीडियो है वो मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा यू नो एंजॉय करेंगे, क्योंकि यू नो फर्स्ट व्लॉग है आज। एंड मैंने रिसेप्शन में जाना है बहुत ही अच्छी प्यारी सी ड्रेस पहन के। अभी मैं जस्ट सोकर उठी ही हूँ, 11 बजे हैं। मैं लेट उठी हूँ इसलिए क्योंकि दो दिन हो गए मैंने अच्छे से यू नो नींद पूरी नहीं की थी, बट हाँ कल मैं जल्दी सो गई थी एंड आज मैं लेट उठी हूँ। आज मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सो गाइज, आज मैं बहुत ज़्यादा यू नो इन्जॉयमेंट के मूड में हूँ कि यार आज इन्जॉय करना है पूरा दिन एंड व्लॉग भी शूट करना है। अपना फर्स्ट व्लॉग, आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। तो गाइज, अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ क्योंकि मैंने मुँह भी नहीं धोया था। मैंने कहा पहले वीडियो शूट करनी है, पूरा दिन दिखाना है आपको। सो गाइज, मैं नहाई ली, मैंने कहा कि पहले ही लेट है तो फटाफट हम तैयार हो जाते हैं एंड देन मैं लाइक वेन्यू में जाके आपको दिखाऊंगी कि यू नो रिसेप्शन में कैसे हम इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। एंड चलिए अब जल्दी से तैयार होती हूँ, मेकअप करती हूँ। सो या सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ। कैसे लग रही हूँ मैं, मेरा आई मेकअप देखो। तो गाइज, अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ड्रेस। सो या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई रियली लव दिस लुक एंड स्पेशली मैं अपने गाउन से तो मुझे प्यार ही हो गया है। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। सो या देखिए। अपने भाई का, वो मुझे लेके जाएगा, वो आ ही नहीं रहा है, इतना टाइम लगा रहा है। अभी मैं मेकअप करके ही हटी थी जस्ट एंड मैंने अपना सामान हटाया नहीं एंड ये देखो इधर आ रू। ये क्या किया बता मेरे को, क्या किया ये मेकअप किया किसने किया मेकअप मेकअप ही कर लिया अपने आप मेकअप किया मैडम ने। खाना लग रहे हो, मैं आपको खा रही हूँ। अरु मेरे को खाएगी, क्यों मैं खाना लग रही हूँ? नहीं खाना नहीं। एक घंटे की वेट कराने के बाद शुक्र है कि मेरा भाई आ गया मुझे लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हम कार में बैठकर जा रहे हैं रिसेप्शन तक। सो अब आप देखिए रोड, गाड़ियाँ और कितना प्यारा मौसम है एंड शुक्र है कि ठंड नहीं थी। तो गाइज, अब हम पहुँच चुके हैं रिसेप्शन, द वेन्यू जहाँ पे रिसेप्शन पार्टी होगी। तो यह बहुत ही ब्यूटीफुल था, ये इसका नाम है माया होटल। सो यह यहाँ पे मिल रहे थे सभी लोग, बट जब मैंने वहाँ पे एंटर किया, ओ माई गॉड, आई जस्ट लव दिस डेकोरेशन। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, द एंट्रेंस ही बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो यार आप देख सकते हैं मुझे भी मिरर में। तो गैस जाते ही हमने खाना पीना शुरू कर दिया था। सो आप देख सकते हैं प्लेट में उन्होंने रख दिया है खाने के लिए टेस्टी टेस्टी खाना एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। एंड मैंने लिया था लेमनेड एंड प्लस ये है मेरी क्यूट सी कजन्स। सो गैस अभी सभी लोग मिल रहे थे एंड ये है ब्राइड एंड ग्रूम जिनकी रिसेप्शन थी। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे दोनों एंड दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड बहुत ज़्यादा क्यूट एंड प्यारे हैं। सो गाइस, सच में मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले खा ही लेते हैं। तो पीछे आंटी जी भी आ गई हैं। तो यस, अब मैंने लिया था लेमनेड जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। वैसे स्पेशली वहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा यमी था। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ सभी लोग कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे वहाँ पे। सो सबसे पहले जब सब लोग आए वहाँ पे, देन सब ने खाया पिया अच्छे से एंड वहाँ पे डेकोरेशन के लिए टेबल के ऊपर कितने प्यारे प्यारे रोजेज उन्होंने रखे हुए थे, मुझे तो बहुत प्यारे लगे। एंड ये है ब्राइड एंड ग्रूम जो कि फ़ोटो सेशन के लिए तैयार हो गए हैं। अब सब ने इनके साथ फ़ोटोज़ लेनी है। तो उसके बाद यू नो जब मेरा पेट भर गया देन मैंने इन्जॉय किया, पानी पुनी पिया एंड देन मैं देख रही थी, इंजॉय कर रही थी एंड वहाँ पे गाने भी लगे हुए थे। तो यार मज़ा आ रहा था।
गाइज अब आता है बेस्ट पार्ट जो कि है केक। सो गाइज मुझे केक इतना प्यारा लगा ना, उन्होंने इतना प्यारा केक बनवाया था, आप देख सकते हैं, यू नो रेड रोजेज एंड फ्लावर्स एंड प्लस हार्ट शेप्ड केक था एंड प्लस मेरा फेवरेट रेड वेलवेट केक था। तो सभी ने यू नो तालियां बजाई एंड बहुत ज़्यादा खुशी से केक काटा। उसके बाद मैंने भी इन्हें केक खिलाया था, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं कह रही थी भैया फ़ोटो खींच लीजिए प्लीज़ मेरी जल्दी से क्योंकि कितनी देर बाद मैंने वेट किया कि लाइक मैंने भी फ़ोटो करानी है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने भी केक खाया जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी था, तो आप देख सकते हैं। साथ में मेरी इन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया एंड बाद में मेरी फ्रेंड भी बन गई थी ये, उनका नाम है नूर। एंड इसके बाद उन्होंने इतना प्यारा डांस किया ना, एंड बाद में दीदी ने अपना गाउन पहना था, पहले उन्होंने यू नो साड़ी पहनी थी, गाउन में वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एंड देन सभी डांस कर रहे थे, मैंने इतना डांस नहीं किया क्योंकि मैंने गाउन पहना हुआ था, तो यार मैं साइड में ही खड़ी थी, बट यार मैं भी इंजॉय कर रही थी साइड में खड़ी होकर। एंड आप देख सकते हैं सभी लोग कितने ज़्यादा खुश हैं एंड इंजॉय कर रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सो या एंड साथ में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उसके बाद मुझे कितनी ज़्यादा अच्छी जगह मिल गई फ़ोटो खींचने के लिए, जहाँ पे कितने सारे मिरर लगे हुए थे एंड मुझे बेस्ट जगह लगी ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए, इसमें मेरा गाउन भी दिख रहा था। एंड उसके बाद हम गए खाना खाने के लिए, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई बट आप देख सकते हैं कितना यमी यमी फूड था वहाँ पे, एंड प्लस केक एंड सबसे स्पेशल स्वीट डिशेस तो बहुत ही अच्छी थी वहाँ पे। एंड ये है मेरा भाई, तो सभी लोग खाना खाने गए थे इसलिए थोड़ा सा खाली लग रहा था, मैं पहले ही खा लिया था मैंने एंड मेरे भाई ने भी। गाइज इसके बाद हम तैयारी कर रहे थे घर जाने की, बट गाइज एक चीज़ कहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी वीडियो ऐड नहीं हुई। इसके बाद तो बेस्ट पार्ट आने वाला है, वो क्या है कि शादी वाले दिन जो मैंने यू नो इतनी प्यारी सी ड्रेस पहनी थी उस दिन मैंने शूट किया था, एंड उस दिन की पिक्चर्स एंड वीडियोस भी मैंने इन दी एंड यू नो स्लाइड शो में आपको दिखाई हुई, तो ज़रूर देखना क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा था प्लीज़ दीदी अपनी वो यू नो शो कीजिए, अपनी ड्रेस एंड अपना लुक दिखाइए, तो उसमें मैंने दिखाया हुआ है। So guys, अब आप देखिए मेरी फेवरेट लुक एंड मेरी फेवरेट ड्रेस जो कि अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो नहीं व्लॉग अच्छी लगी होगी। सो गाइज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यू नो व्लॉग कैसे बनानी है, क्या करूं क्या नहीं, पर फिर भी मैंने रिसर्च की कैसे बनाते हैं क्या नहीं, तो फिर मैंने सब कुछ चीज़ें यू नो रिसर्च कर करके एंड देन मैंने डिसाइड किया कि आज मैंने बहुत ही अच्छी एंड प्यारी सी व्लॉग बनाऊंगी मेरे स्वीट सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो या मैंने हिम्मत करके व्लॉग बना ही दी। तो प्लीज़ गाइज मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए एंड यू नो और ज़्यादा यू नो मेरे को खुशी हो कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार करा, इतने सपोर्ट करा मेरी इस व्लॉग को, ताकि मैं आगे भी कुछ भी अच्छा सा या फिर एक्साइटिंग करूं, मैं व्लॉग बनाऊं एंड आप सबके साथ शेयर करूं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट व्लॉग एंड आप सबकी रिक्वेस्ट थी, दैट्स वाई मैंने ये बनाया, थैंक यू सो मच, मेरा भी एक नया एक्सपीरियंस हो गया बट यार मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो गाइस अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।